अल्ट्रॉन मैटर कोलैबोरेटेड विद मिस्टर बीस्ट। बढ़िया खेले भाई आज की बेटा। हाँ यार महेंद्र सिंह, थोड़ा सा पहले मैच में हम लोगों ने हम थोड़ा सा ना थोड़ा चोक कर दिए, मिलके चोक कर दिए, एक बढ़िया डिसीजन ले नहीं पाए। दूसरा मैच ठीक था, जितना कर सकते थे उतना किया, थोड़ा और फास्ट खेल सकते थे। और थर्ड मैच में हम लोग थोड़ा सा अपने डिसीजन को लेके चेंज मार लिए। थर्ड मैच में हम लोगों को, तुम्हें पता है, थर्ड मैच में सेकंड जोन में मैं लास्ट जोन का गर्मा किया होता, जहां पे अपने को सीधा रोटेशन देनी थी, क्योंकि हम लोगों ने गेम प्लान आज कुछ अलग किया था। आज ड्रॉप फाइट से हटके हम लोगों ने अलग किया था कुछ, बट हाँ हमें नहीं लगा था कि सोल ड्रॉप फाइट लेने आएगी, बट अब वो लोग आ रहे हैं तो हम लोग भी ड्रॉप फाइट लेने के लिए दोबारा रेडी रहेंगे कल, क्योंकि बट मुझे लगा था कि वो लोग नहीं आ रहे, एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग होती है दूर से। अल्ट्रॉन मैटर यार मैं ना बोलना नहीं चाहता उस मैटर पे, बट यस गाइस, सब लोगों का अपना पीओवी होता है, सब लोग अपनी अपनी जगह सही होते हैं। स्काउट भी अपनी जगह सही होगा, अल्ट्रॉन भी अपनी जगह सही होगा, स्काउट का अपना पीओवी होगा, अल्ट्रॉन का अपना पीओवी होगा, दोनों की अपनी लाइफ होगी और दोनों के अपने तौर तरीके होंगे, तो वो लोग आपस में अच्छे से डील कर लेंगे जैसा उन लोगों को सही लगेगा। हम लोग अपना कुछ पीओवी रखें या अपना कुछ ज्ञान जो दें, तो शायद दोनों में से किसी एक की फीलिंग हर्ट हो सकती है, तो मैं दोनों के ही मैटर में कहीं पे भी ना पढ़ना चाहता हूं, ना ही पढ़ूंगा। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है यार, उनकी चॉइस है जो उनको चूज करना है। अब मैं उनके बारे में ओपिनियन यहाँ लाइव पे आके नहीं दे सकता हूँ, अगर जो मेरा मन करेगा मैं उन दोनों में से जिसको भी, मेरे को स्काउट को भी बात करनी होगी मैं स्काउट से कर लूंगा, मेरे को अल्ट्रॉन से करनी होगी मैं अल्ट्रॉन से कर लूंगा, बट मैं यहाँ क्यों आके बोलूंगा बताओ, है ना, अपना ओपिनियन मैं यहाँ क्यों दूंगा। ये उनको अपने तरीके से जैसा उनका काम है उनको डील करने दो। ये तो ऐसा तुम जो ये यहाँ पे ऐसा बैठ के मैटर जो तुम चाहते हो, ये तो फिर एक स्वाद लेने वाली, ये तो मसाला लेने वाली बात हो गई। एटलीस्ट ट्राई टू सॉर्ट द मैटर। तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम लोग सब चीज़ के साथ, अगर मैं सब चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं बोलता हूँ तो क्या मतलब उसका कोई बात नहीं है? व्हाट आई हर्ड, जितना मेरी नज़र में आया है, जितना मेरे सुनने में आया है, स्काउटर अल्ट्रॉन के भैया की बात हो गई होगी, तो उन्होंने अपने तरीके से अपने मैटर को सुलटा लिया है। तो प्लीज़ किसी को भी मत घसीटो, मुझे नहीं किसी और को भी मत घसीटो, ताकि कोई और अपनी ओपिनियन दे यहाँ पे आके। पाजी जेड आर से तीन बंदे क्यों खेल रहे थे? सो जो जो चीज़ तुम्हारे दिमाग में आई वही सेम चीज़ मेरे दिमाग में भी आई थी। सो आई कॉल्ड आफ्टर सेकंड मैच टू गुरकरण दैट व्हाई दे आर नॉट, व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग। तो अगर किसी को नहीं पता, पंजाब के बंदे को पता होगा, पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी, पता नहीं वो कहाँ का है, मैं मतलब मेरे को लग रहा है कि पंजाब में होगा, बट आई डोंट नो कौन सा प्लेयर उनका नहीं था, शायद उनका जो पंजाब से प्लेयर तो उसके घर पे लाइट नहीं थी, और पावर बैकअप भी हर बंदे के घर पे नहीं होता है, तो उसके घर पे लाइट नहीं थी, दैट्स व्हाई ही वाज नॉट एबल टू प्ले। अभी 1300 लोग देख रहे हैं, फिर 1300 अलग पीओवी बनाएंगे, फिर वो 1300 लोग जाकर 1300 बकचोदियां करेंगे, सो लीव इट एंड फोकस ऑन बीजेएस। यस भाई, कोई कॉन्ट्रोवर्सी टॉपिक ना लो, नहीं कोई, अगर तुम कॉन्ट्रोवर्सी बोलते हो यार उसको बोलते रहो, बट आई डोंट केयर। मतलब रूम बनाओ भाई आज, अरे रूम कैरी के साथ बनाएंगे भाई, उसको आने दो भाई। बाय द वे कैरी हैज कोलैबोरेटेड विद मिस्टर बीस्ट। ओह माय गॉड, उस तो लास्ट स्ट्रीम जब हम लोग नहीं किए थे, जो लास्ट स्ट्रीम जो मैं वैलो 5v5 खेल रहा था, उस स्ट्रीम में मेरे को उससे पहले जस्ट थोड़ी देर पहले पता चला कि कैरी US जा रहा है, ऐसा करके हु न्यू इट वॉज अ कोलैबोरेशन विद मिस्टर बीस्ट एंड ही डिजर्व्स दिस। भाई अपने इंडिया से एक क्रिएटर जो डिजर्व करता है टू रिप्रेजेंट इंडिया इन कंटेंट क्रिएशन हैज टू बी कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी ने मिस्टर बीस्ट के साथ कोलैबोरेट किया है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो द वीडियो विल बी आउट वेरी सून, पता चलेगा आप लोगों को बहुत जल्द, और इट्स गोना बी अ इनसेन वीडियो, इट्स गोना बी एन इनसेन वीडियो। इट इज़ नॉट ओनली कैरी मिनाटी, बट तो मिस्टर बीस ने मेरे ख्याल से एक बहुत पहले ट्वीट डाला था वेयर ही वांटेड और फ्रॉम एवरी कंट्री वांटेड वन क्रिएटर, ऐसा कुछ, फ्रॉम एज मेनी कंट्रीज एज पॉसिबल।